आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं या पकौड़े की तरह से भी इसे फ्राई कर सकते हैं ज़्यादा ऑयल में, लेकिन हम इसे कम तेल में ही बनाएंगे और 3 से 4 मिनट में ये बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगा। बहुत कम टाइम लगता है इसे फ्राई करने में। रमज़ान के लिए आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोगों को भी बहुत पसंद आने वाला है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसी तरह से हम बाकी नाश्ते को भी फ्राई कर लेंगे और एक बार मेरे कहने पे आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, इसे मिस ना करिएगा, ये आप लोगों को भी बहुत पसंद आने वाला है। इसी तरह से हम इसे भी फ्राई कर लेंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे, हम हाई फ्लेम इसकी नहीं करेंगे। ये हो चुका है, अब हम इसे भी निकालेंगे। यहाँ देखिए मैं सारे नाश्ते को रेडी कर चुकी हूँ, बिल्कुल ज़बरदस्त बनकर रेडी हुए हैं, बहुत ही टेस्टी है। ये देखिए अभी हम आप लोगों को तोड़कर भी दिखाएंगे। ये बहुत परफेक्ट उतरा है, बहुत ही अच्छा बनकर उतरा है, इसे आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, मिस बिल्कुल भी ना कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी, चलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।